खबर चमोली जिले की है, जहां कोलकाता में रेजिडेंट महिला चिकित्सक के साथ हुई घटना को लेकर जिले भर के अस्पतालों में आज ओपीडी सेवाएं बंद हैं। दरअसल कोलकाता में हुई घटना को लेकर नर्सिंग संगठन, डिप्लोमा फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, मिनिस्टर कर्मचारियों आदि सभी ने अपना समर्थन दिया है। इसके तहत ही प्रदेश संगठन के आह्वान पर जिला अस्पताल गोपेश्वर में भी ओपीडी सेवाएं 24 घंटे के लिए बंद रहीं। बता दें कि ओपीडी सेवाएं बंद होने के चलते दूर दराज से आए लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सुबह से ही लोग अपना चेकअप करवाने के लिए अस्पताल पहुंचे, लेकिन ओपीडी सेवाएं बंद रहने के चलते उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि इस दौरान इमरजेंसी की सेवाएं चलती रही। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। आज सुबह 6 बजे से शुरू हुआ है और मॉर्निंग 6 बजे तक 24 घंटे का चलेगा। जो हमारी ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन है, उसने ये डिसीजन लिया हुआ है, जिसके साथ हमारे सारे नर्सिंग स्टाफ और जितनी भी स्वास्थ्य कर्मी है सब हमारे साथ इसमें। कितने तीन मांगे हैं? सबसे पहले कि जो कोलकाता में महिला चिकित्सक के साथ जो अपराध हुआ है, उसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाया जाए और जो दोषी हैं उनको सजा दी जाए। दूसरा है कि जैसे जो चिकित्सालय में किसी भी चिकित्सक के साथ या स्टाफ के साथ जो मारपीट होती है और सरकारी संपत्ति को जो नुकसान पहुंचाया जाता है, उसमें समय सीमा में उनको जो मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट है उसके तहत सजा दी जाए। डिग्निफाइड माना जाता था 20-25 साल पहले। अब अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम दुर्गम क्षेत्रों में रह के इतनी विषम स्थितियों में रह के हम सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन कोई हमारी निजी समस्याओं की तरफ ध्यान देने वाला नहीं है। इसके अलावा हमारे कोई ड्यूटी आवर्स फिक्स नहीं होते हैं। रात भर फोन बजता रहता है। हम 2 बजे के बाद ड्यूटी करते हैं, उसके बावजूद भी हम कभी भी उठा ले जाते हैं पोस्टमार्टम के नाम। VIP ड्यूटी खैर तो है, खैर वो तो हमारा सहयोग रहता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यह है कि एक असुरक्षा की भावना, जो चिकित्सक जो एक नोबल प्रोफेशन माना जाता था, इसमें हम ओथ उठाते हैं मानवता की सेवा करने के लिए, लेकिन कुछ दरिंदे ये पेशेंट के रूप में ये अमानवीय व्यवहार कम से कम चिकित्सकों के साथ ना करें। धन्यवाद।